आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? यहाँ फाइलम कंटेन मोर स्पीशीज देन एनी अदर फाइलम, यानी कि वो फाइलम जो तमाम स्पीशीज में सबसे ज़्यादा मतलब एनिमल्स रखता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा कहलाता है। इनफैक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज आर मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोडास, यानी कि इनसेक्ट जो कि मतलब कॉकरोच हैं, बटरफ्लाई वगैरह है, सब आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखते हैं। दे शो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, मुख्य तरह की करेक्टरिस्टिक को जाहिर करते हैं। जॉइंट फूट, इनके जो फूट होते हैं वो आपस में जॉइंटेड होते हैं, मतलब इस वजह से आर्थ्रो का मतलब ही है जॉइंटेड फूट वाले, यानी कि जो आपस में जॉइंटेड फूट वाले होंगे वो आर्थ्रोपोडा कहलाएंगे। इसके सेगमेंट, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। द सेगमेंट आर अटैच्ड विद ईच अदर, इनके जो सेगमेंट है ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। बाय मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द क्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल के एक मॉडिफाइड पार्ट से ये आपस में अटैच होते हैं। देयर क्यूटिकल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, इनकी क्यूटिकल थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है एट जॉइंट जॉइंट के ऊपर, ताकि भाई इनके पाँव वगैरह आपस में मुड़ सके, यहाँ से कंबाइन हो सके, इस वजह से इनकी ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है। सो दे पोसेस जॉइंट अपेंडेज, तो ये अपेंडेज रखते हैं, जुड़े हुए अपेंडेज रखते हैं। देयर अपेंडेज आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, इनके मॉडिफाइड होते हैं ताकि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, अपेंडेज एंड क्यूटिकल्स। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ताकि भाई क्योंकि पहले इससे पहले के जो हम फाइलम का जिक्र करते हैं वो फाइलम है एनिलिडा, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा था, और मतलब एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोलुस्का, मोलुस्का के बाद फिर हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इस तरह से हमारे पास जो फाइलम होते हैं, फाइलम की एक तरतीब है, उसके हिसाब से हम करते हैं। सो इट इज़ बिलीव दैट द बोथ एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हैव कॉमन ओरिजन। आर्थ्रोपोडा हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, सम आर वर्म लाइक सेंटीपीडास, सम आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन, इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन में डिवाइड होती है। क्यूटिकल, इनकी जो क्यूटिकल है ना, देयर बॉडी इज कवर्ड विद वाटर प्रूफ क्यूटिकल, मतलब वाटर प्रूफ जो क्यूटिकल है उससे इनकी बॉडी कवर होती है। अच्छा, कोइलम, द कोइलम डज नॉट परफॉर्म, इनका कोइलम जो होता है डज नॉट फॉर्म मैनी बॉडी कैविटी, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी कैविटी नहीं मिलता है, ये हीमोकोइल होता है। और का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, इनके पास दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। द पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इनकी जो पार्ट हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देयर बॉडी स्मॉल प्लांट एंड एनिमल, इनकी जो फूड है ना, इनकी फूड, देयर फूड इज स्मॉल प्लांट एंड एनिमल, इनकी फूड छोटे छोटे मतलब पौधे और एनिमल्स हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, वो मतलब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डिफाइन होता है, और इनमें एलपीजी एंटीब्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ होता है, जैसे सॉलिड यूरिक्स, इन सॉलिड यूरिक्स एसिड, ये जो सॉलिड यूरिक्स एसिड की मतलब शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते हैं। उसके बाद इनका नर्वस सिस्टम, इनका जो नर्वस सिस्टम है ये हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इनके पास। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इनके पास हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है और ये पेयर्ड गैंग्लिया के ऊपर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, और पेयर्ड गैंग्लिया पे होते हैं। गैंग्लिया कनेक्टेड टू वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, ये गैंग्लिया वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, और ये गैंग्लियन हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, सेगमेंट गैंग्लियन, सेगमेंटल, इनको सेगमेंटल गैंग्लियन भी कहा जाता है। नर्व जो अरेज होती हैं फ्रॉम दिस गैंग्लिया, द सेंसरी ऑर्गन आर इज अ पार्ट ऑफ आई एंड अ पेयर ऑफ एंटीना। नर्व अरेज फ्रॉम दिस गैंग्लिया, नर्व हैं जो इस गैंग्लिया से अरेज होती हैं। द सेंस ऑर्गन आर अ पार्ट ऑफ आई, ये पार्ट ऑफ आई है, एंड पेयर ऑफ एंटीना, और पेयर ऑफ एंटीना है। उसके बाद इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ट्रेकियल सिस्टम होता है, पर ट्रेकियल, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकियल सिस्टम होता है, और ट्रेकियल सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्रेकियल सिस्टम में मतलब मजीद फिर ट्रेकिया होता है, और एक और इनमें होता है स्पायरल, मतलब एक ओपनिंग होती है, इसको स्पायरोलिचीज कहते हैं, स्पायरल्स कहते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा टेक प्लेस थ्रू गिल्स, ये गिल्स के जरिए, मतलब कुछ रेस्पिरेशन जो होती है कुछ आर्थ्रोपोडा में गिल्स के जरिए होती है। अब जो देखेंगे आप, जैसे कि पिक में बताया गया है कि ये एब्डोमिन, थोरैक्स और हेड में कुछ डिवाइड होते हैं, इनके कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीना होती हैं। फिर आर्थ्रोपोडा की मुख्य तरह की फिर वो भी है ना, आप कह रहे हैं कि मुख्य नस्लें हैं या कुछ भी कह सकते हैं वो हैं। अब आर्थ्रोपोडा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम,
दे हैव अ यूनिक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दे हैव अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, द ब्लड ओपनली फॉर्म, मतलब इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर ना, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास प्राइमेटिव हार्ट और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। फिर उसके बाद इनको एक्सोस्केलेटन, इनके एक्सोस्केलेटन चीटिन का बना होता है और इसमें थोड़े साल्ट होते हैं, साल्ट वगैरह की मतलब आप कह रहे हैं डिपोजिशन से इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। क्यूटिकल इज लाइट इन वेट एंड इट्स चीफली डिकम्पोज ऑफ अ चीटिन, और इसको मतलब साल्ट वगैरह की डिपोजिशन से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इन दिस केस क्यूटिकल सही हो गया। फिर लोकोमोशन, अभी लोकोमोशन की, लोकोमोशन क्या होती है, इनकी स्विफ्ट तेज होती है, देयर मोड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, इनके हैबिटेट पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपने काक्रोच को देखा होगा, अब काक्रोच कितने तेज मूव करता है, सो दे कैन स्विम क्रॉल और फ्लाई, द ऑर्गन आर लोकोमोशन आर पेयर्ड अपेंडेज, इनके पेयर्ड अपेंडेज होते हैं, इंसेक्ट ऑल्सो हैव पेयर्ड विंग, इंसेक्ट के पास एक पेयर्ड विंग भी होते हैं, सही है। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री, देयर सेक्स आर सेपरेट, इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, द टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि वो कह रहे हैं टेस्टिस और ओवरीज रखते हैं, इनकी लोकोमोशन जो होती है हमारे पास स्विफ्ट होती है, और वो इसको डिपेंड करती है इस पर ये किस तरह से मतलब मूव करेंगे, मतलब किस हैबिटेट में रहते हैं, उस पर डिपेंड करती है इनकी लोकोमोशन। और इसके साथ साथ फिर इनके जो सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी यूनिक है। आज हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की, इसमें एक और है मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म भी यही है, और इसके बाद इसका मेटामॉर्फिज्म भी, मेटामॉर्फिज्म की बात की, जो मेटामॉर्फिज्म है जो कि द चेंज टेक प्लेस, द चेंज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ अ लार्वा इंटू अडल्ट आर कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, यानी कि लार्वा का एक स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाना, मतलब एक मुकम्मल फॉर्म वाले एनिमल्स में, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। ये तीन तरह की स्टेज से गुजरता है, जिसे एग, लार्वा और प्यूपा कहते हैं। जो एग होता है ना, तीन तरह की स्टेज से गुजरता है, इसे कहते हैं एग, लार्वा एंड प्यूपा। जो एग होता है इट डिवेलप इंटू लार्वा, ये लार्वा में डिवेलप होता है, और ये जो प्यूपा होता है ये चेंज इनटू